हेलो गाइज, वेलकम अगेन टू माई न्यू व्लॉग। और थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चले गया होगा ये व्लॉग है किसका। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ ट्रैवल व्लॉग। तो यार काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था एक डेढ़ महीने से, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इतना ज़्यादा हो गया था। पटना गया एंड एडमिशन्स करवाने थे MBA में, तो ऑल दैट हैपेंड, तो उस कारण से व्लॉग नहीं आ पाया। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि इतने लंबे टाइम बाद आ रहा है व्लॉग। एंड एक अच्छा चीज़ कि यार स्पेशल व्लॉग आ रहा है ये व्लॉग। अकॉर्डिंग टू टाइटल आपको पता चल गया होगा कि यार आज मैं डिलीवरी लेने जा रहा हूँ एक कार का। और अब तक आपको कार का पता नहीं है, भले आप आगे बढ़ा के देख सकते हो मैंने कौन कार लिया है, बट थंबनेल में मैंने दिखाया नहीं है वो कार। तो टिल अगर अब यहाँ तक देख रहे हो तो ओबियसली आप लोगों के लिए जो यहाँ तक देख रहे हैं, आगे बढ़ा के नहीं देखे उनके सरप्राइज़ है। तो निकलते हैं यार बाहर। और गला यार काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए, तो आई एम सो सॉरी इफ माई वॉइस इज़ नॉट दैट क्लियर टू यू ऑल। गला का वाटर लगा हुआ अभी, तो मैनेज कर लेना बॉस। आगे भी पता नहीं मैं बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, आई डोंट नो, बट अभी तक तो बोल पा रहा हूँ कम से कम कुछ। कल तो मेरा कुछ आवाज़ निकल ही नहीं रहा था। तो लेते हैं डिलीवरी कार का और आप लोगों के साथ चलते हैं। फैमिली है मेरे साथ और कुछ मेरे दोस्त आ रहे हैं डिलीवरी लेने को फिलहाल अपने साथ। पीछे मगर आप देख पा रहे हो तो भाई इनका नाम है अभिषेक और प्यार से इसे बुलाते हैं अपने ग्रुप में। फिलहाल आगे हम लोग को और अभी लोग मिलेंगे, तो आगे शोरूम में शायद मिलते हैं। और मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ शोरूम में, जस्ट बिकॉज कुछ कुछ पार्ट्स वगैरह एक्सेसरीज वगैरह वो लगाना है। बहुत ही जल्दी पहुँचने वाले हैं शोरूम, और शोरूम पहुँचने से पहले यार कुछ बातें जो मुझको शेयर करनी है आप लोगों से। तो यार कुछ टाइम पहले ही मैंने एक वीडियो का शुरुआत किया था, बट आज तक उसे डाल नहीं पाया जस्ट बिकॉज बताया मैंने पहले आपको बिजी था। तो अब जाओ और मेरा वो वीडियो देख करके आया, और उसमें आपको काफ़ी चीज़ें मेरे बारे में पता चली है जो जो मैं आप लोगों से आगे वीडियोस आने वाले और आगे जो जो भी चीज़ होने वाले मेरे ब्लॉग्स में। और दूसरा चीज़ ये कि यार अभी रिसेंट में आगे बहुत ही तगड़े तगड़े ब्लॉग्स आने वाले, तो स्टे ट्यून्ड और ज़बरदस्त ब्लॉग्स आने वाले। फिलहाल अब जाओ वो वीडियो देख करके आओ, तब तक मैं शोरूम पहुँच रहा हूँ और फिर शोरूम का आगे का कार्यक्रम किया जाएगा। तो बस दो चार चीज़ें थी जो मुझे 500 सब्सक्राइबर्स के बाद करनी थी। तो मैंने सोचा था, अपना एक माइलस्टोन बनाया था कि 500 अगर मेरा हो जाता है तो आई विल स्टार्ट सम ऑफ द थिंग्स। तो उसमें से यार पहला ये चीज़ है कि मैं सोचा था कि डेली व्लॉगिंग पे उतरूँगा या फिर वीकली व्लॉगिंग। वीक में मैं जहाँ भी जाता हूँ रांची में, जो भी करता हूँ छोटा मोटा, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और दूसरा आपका कुछ कुछ कैफ़ेज़ हो गए रांची में, तो ये सब वगैरह शुरू करने का मैं सोचा था 500 के बाद। तो सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ डेली और अ वीकली व्लॉगिंग। अब तक जो भी मेरे को सपोर्ट आप लोग से मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों के बिना आई डोंट थिंक कि 500 तक भी आना कोई पॉसिबल था एक टाइम पे, जब मैं 0 से शुरू किया था। और अब 500 तक तो एक टाइम लगता था कि आज भाई 80 है, 500 होगा, कब होगा, कैसे होगा। इतने सारे वीडियोस मैं डाल दिया हूँ, 2023 वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो मैं एक टाइम पे एक भी वीडियो सोचता था कि यार एक दिन आएगा जब एक वीडियो अपलोड करूँगा। तो जिस दिन से मैं वो वीडियो डाला और ये वीडियो आप लोग को बताया, जो लोग पहले से मेरे को फॉलो कर रहे हो, लॉकडाउन में ही मैंने डाला था ये वीडियो। तो तब से जो लोग अब तक फॉलो कर रहे हैं, मुझे देख रहे हो, और नए लोग जो भी जुड़ रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और आगे बहुत सारा धमाल मचाते रहेंगे हम भी। सो फाइनली रीच टू शोरूम और अब है गाड़ी लेने की बारी। तो वेयर इज़ माय कार, ये ब्लू बलेनो जो सामने देख रहे हो भाई, यही है अपनी गाड़ी। सो फाइनली रीच टू नेक्सा और ये हमारा गाड़ी सामने लगा हुआ है बलेनो। ऑब्वियसली फाइनली इंस्टा ट्रेंड जो चल रहा था, फाइनली आज हम लोग इंस्टा ट्रेंड वाला काम कर लेते हैं। काफ़ी दिन से सोच रहे हैं इंस्टा ट्रेंड वाला एक वीडियो बनाएंगे, जो ये हमारी ये है वो है वो है। तो यस वी आर डूइंग दिस ऑब्वियसली। चलो ये हम है, ये निक्षा की शोरूम है और ये हमारी कार तैयार हो रही है। तो फाइनली आई एम बाइंग दिस ब्यूटीफुल कार बलेनो और आज इसकी डिलीवरी है। तो सारे पेपर्स वर्क जो थे वो हो गया और यहाँ पे सारे फिटिंग जो मैं एक्सेसरीज लिया वो हो गया। तो छोटा मोटा चीज़ बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या मैं लगाया हूँ। आप सामने देख पा रहे हो कि ये डोर वाला जो भी बोलते हैं, मेरे को नहीं पता क्या, मैं भूल गया इसका नाम, और फिर आपको कॉमेंट कर देना इसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गया। और दूसरा चीज़ ये डोर वाइजर लगाया मैंने, एक क्रोम का भी आता है, बट मेरे को एक्चुअली बाद में इसको ब्लैक करना है, डबल टोन में करना है पूरे गाड़ी को, दैट मीन्स ऊपर वाला ब्लैक, और वो आपको व्लॉग्स में आगे दिख जाएगा अगर मैं करवाता हूँ वैसा, तो इसलिए मैंने इसको ब्लैक लिया। एंड मेरे को ये दरवाज़ा जो चीज़ है यहाँ पे क्रोम उतना अच्छा लगता नहीं है, दैट्स वाई जस्ट चूजन दिस वन। ऐसा 400 एक्स्ट्रा रुपीज़ में आपका ऊपर में ये मिल जा रहा था मेरे को क्रोम वाला, एंड दिस इज़ अवर 1790 रुपीज़, दैट मीन्स 1800 रुपया करीबन।
तो इट वॉज लाइक दैट। उसके बाद मैंने लगवाया एक क्रोम यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो ये भी एक लगा, ये अराउंड 400-500 कुछ रुपीस का था। उसके बाद इस ये एक टॉप मॉडल से डाउन मॉडल, इसमें कैमरा नहीं आता है, तो कैमरा ऐसे वहाँ पे इसमें लगता है। तो अभी मैं अगर कैमरा इसमें इंस्टॉल करवाता हूँ तो दे विल पंच अ होल इन यहाँ पे करीबन, एंड देन दे विल प्लेस अ कैमरा यहाँ पे। इसको खोल के लोग नहीं लगाएंगे तो एक प्रॉब्लम है। अभी फ़िलहाल मैं कैमरा इंस्टॉल इसमें नहीं करवा रहा हूँ। दूसरा चीज़ और मैंने जो लगवाया है इसमें, अंदर का जो रबड़ का नॉर्मल मैट आता है वो, और एक कवर लिया हूँ, एंड मड फ्लैप, ओबियसली मड फ्लैप लिया हूँ। उसके बाद मैं लिया हूँ, एंड आई डोंट थिंक और कुछ मैं लिया हूँ। उसके बाद जो पीछे का जो डिक्की का एक आता है आपका नॉर्मल मैट, वो लगेगा, तो वो भी मैं अभी नहीं लगवा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू एन आफ्टर मार्केट। यहाँ पर थोड़ा प्राइस ओबियसली हाई रहेगा शोरूम का, तो जो भी चीज़ एसेंशियल्स थे जैसे कवर हो गया, ओबियसली मैं कवर भूल गया, तो 6690 रुपया का ये कवर है, 6690। तो ये रहा कवर। इसके बाद एक 9000 का भी था, थोड़ा प्रीमियम लग रहा था वो, बट मेरे को कुछ खास दोनों में डिफरेंस लगा नहीं। हल्का सा डिफरेंस ऑब्वियसली था, 10000 का था भाई, 4000 का डिफरेंस तो था, बट लुक वाइज आई डोंट फाइंड दैट मतलब उतना ज़्यादा अच्छा कि कंसिडर कर सकते हैं 9000 का। तो मैंने ये चूज़ किया, ऑब्वियसली यू कैन सी दिस इज़ फाइन एंड लुक अच्छा लग रहा है गाड़ी का ओवरऑल। और बाद बाकी अगर आप इसका जो टॉप मॉडल आता है वो लेते हो तो उसमें आपको यहाँ पे यूवी का शीशा में यूवी कट ग्लासेस मिल जाते हैं, तो इसमें यूवी कट ग्लासेस इसमें नहीं है, बट मैं इसको आफ्टर मार्केट स्क्रीनिंग करवा के कर लूँगा। भाई एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं इसको एक्चुअली थोड़े दिन पहले अल्ट्रॉज लेने वाला था, तो मैं एक कंपैरिजन वीडियो बना दूंगा अल्ट्रॉज का और बलेनो का नियर फ्यूचर में। तो कुछ वीडियोज़ आपको आएंगे बलेनो के ऊपर, ऑब्वियसली मैं बनाऊंगा इसके ऊपर, और कुछ कंपैरिजन वीडियो विद अदर कार सेगमेंट इस प्राइस रेंज पे बनाऊंगा मैं। और एक और चीज़ यार आप लोगों को बोलूँगा, अभी अभी काइगर आया तो आई जस्ट टुक अ टेस्ट राइड ऑफ काइगर, जो मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। तो काइगर इज़ अ बेस्ट एसयूवी आई थिंक दिस मार्केट में, इस प्राइस के साथ जो कार निकला है, तो मेरे को लगता है कि भाई 886 में वो टॉप मॉडल दे दे रहा है, एक नॉर्मल इंजन टर्बो इंजन नॉर्मल इंजन से आता था, तो काइगर आप लोग कंसिडर कर सकते हो। छोटा सा डोर स्टॉपर होता है वो एक्चुअली नहीं मिल रहा है शोरूम में, तो आई एम गोइंग टू बाई दिस इन अ लोकल मार्केट।
दिस इज डे 3 एंड डिलीवरी लेने के बाद यार काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया और रात होते होते मेरा आवाज़ भी थोड़ा बैठ गया था, तो आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक, दैट्स वाई आगे कुछ आप देख नहीं पाएगे। तो यही करते उस ब्लॉग को एंड यार, और फिलहाल आगे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, बिकॉज ये थर्ड डे अभी हम लोग कहीं ट्रिप पे निकले हुए, आपको अगले ब्लॉग में पता चल जाएगा कहाँ निकले हुए। फिलहाल ये ब्लॉग को एंड करते हैं, तो होप्स आप लोगों को कार अच्छा लगा होगा, बलेनो मेरा चॉइस अच्छा लगा होगा, और आप लोग का कॉमेंट सेक्शन में कुछ अगर बोलना हो, कुछ शेयर करना हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम। तो लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छा लगा तो, और सब्सक्राइब कर देना, बाकी आगे अभी मस्ती ही मस्ती चलेगा ब्लॉग्स में। तो मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, और नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार जरूर करना भाई, फाड़ होने वाला। और जो जो जिनको जानना है मैं कहाँ जा रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे अपडेट आते रहता है ब्लॉग से पहले, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर ले, नीचे लिंक दे दूंगा मैं, तो जा करके फॉलो कर ले और वहाँ से पता चल जाएगा आपको मैं जा कहाँ रहा हूँ, और अगले ब्लॉग फाड़ू आने वाला है बॉस। तब तक के लिए बाय।